सवाल, जहां जुम्मा की नमाज अदा की जाती है वहां की खवातीन जोहर की नमाज किस वक्त अदा करें? जवाब, खवातीन जुम्मा के दिन जोहर का वक्त दाखिल होने के बाद शहर में जुम्मा की नमाज से पहले भी और बाद में भी जोहर की नमाज अदा कर सकती हैं। अलबत्ता इनके लिए अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है। अवाम में जो ये मशहूर है कि जब तक जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज मस्जिद में ख़त्म ना हो जाए औरतें घरों में जोहर की नमाज ना पढ़ें, ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि ख़वातीन जोहर का वक्त होने के बाद जुम्मा की नमाज से पहले भी अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ सकती हैं। क्या औरतें जुम्मा या ईद की नमाज के लिए मस्जिद जा सकती हैं? औरतों के ऊपर जुम्मा वाजिब नहीं, इन्हें जुम्मा के दिन जोहर पढ़ना जरूरी है। इसी तरह औरतों के ऊपर ईदैन की नमाज भी वाजिब नहीं। शरीयत इस्लाम ने जुम्मा और ईद का मुकल्लफ औरतों को नहीं बनाया, इसलिए उन्हें जुम्मा और ईद के लिए मस्जिद जाना या ईदगाह जाना दुरुस्त नहीं। हत्ता के पंजगाना नमाज के लिए अपने अपने मोहल्ला की मस्जिद में जाना भी इनके लिए मुनासिब नहीं। सबसे बेहतर इनके लिए ये है कि वो अपने घरों में तन्हा तन्हा नमाज पंजगाना अदा करें। ईद की नमाज पढ़ने की इन्हें ज़रूरत नहीं। अगर आपके जहन में कोई इस किस्म का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे चैनल ऑल इन वन अदनान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।